मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माई क्लास। माई नेम इज अभि पांडे। आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ हार्मोन। क्या आज का हमारा टॉपिक है? ग्रोथ हार्मोन। आज हम ग्रोथ हार्मोन पर डिस्कस करेंगे कि क्या है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो आज हम ग्रोथ हार्मोन पर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक बताना देना चाहता हूं कि ग्रोथ हार्मोन के बारे में आप लगभग 9th, 10th, 11th, 12th से ही सुनते चले आ रहे हैं ग्रोथ हार्मोन। या मतलब आप अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखे होंगे, लगभग यह जो शब्द है या ग्रोथ जो ग्रोथ हार्मोन है जिसके बारे में इसका क्या फंक्शंस है हमें नहीं पता था। क्या है ग्रोथ हार्मोन? बस इतना ही पता था ग्रोथ हार्मोन के बारे में कि हमारी लंबाई को बढ़ाता है। बस इतना ही मतलब था हमें ग्रोथ हार्मोन से कि हमें लंबाई को बढ़ाता है। कौन? ग्रोथ हार्मोन। लेकिन कैसे बढ़ाता है, कहां से सिक्रेट होता है, कैसे, क्या सारी चीजें हैं हमें तब नहीं पता था। लेकिन आज मैं इसी चीज को यहां पे बताऊंगा कि ग्रोथ हार्मोन फंक्शन कैसे करता है, कैसे, क्या सारी चीजें हैं, कैसे इसका रोल है बॉडी में, कैसे हमारी हाइट को बढ़ाता है। किसी की हाइट एक नॉर्मल वे में एक मीडियम होता है, किसी की हाइट बहुत कम होती है, किसी की हाइट बहुत अधिक होती है, तो कैसे, क्या सारी चीजें हैं आज उस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग आज या मेरा वीडियो देख रहे हैं ग्रोथ हार्मोन का, तो ग्रोथ हार्मोन का ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें तो मैं आपको एक्सप्लेन ही करूंगा, लेकिन आप जो आप अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखे होंगे जिनकी हाइट बहुत छोटी होती होगी या एक मीडियम साइज के हैं, तो उनकी बात की बात है जो मीडियम साइज के हैं। लेकिन कई लोगों को देखे होंगे हाइट तो लंबी है, ठीक है, लेकिन कई लोगों की हाइट होती है ना कि बहुत अधिक लंबी होती है, देखने में लग जाता है कि मतलब इनकी हाइट, मतलब इसमें कुछ ऐसा मतलब है कि इनकी हाइट बहुत अधिक है, तो क्या कारण है, तो उस चीज के बारे में हम देखेंगे। लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन है सिर्फ जब हमारा बर्थ हो जाता है, बर्थ होने के बाद जब हमारी बॉडी डेवलप करती है तभी बस ग्रोथ हार्मोन फंक्शन नहीं करता है। जब हम माँ के यूट्रस में होते तभी से, जब हम माँ के गर्भाशय में होते हैं तब से जब बच्चा फीटस होता है, फीटस से लेके अभी तक, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, मतलब मान लीजिए फीटस है, तब से उसका डेवलप शुरू होता है, जब तक उसकी डेथ मतलब नहीं होती हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर डेवलप होते रहेंगे, कुछ ना कुछ उसके अंदर ग्रोथ होते रहेंगे। ठीक है, तो किसके कारण होता है? वह ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई, अब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो जो ग्रोथ हार्मोन इस टॉपिक का नाम है वह क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या आप समझते हैं? जैसे मान लीजिए हमने ग्रोथ का नाम लिया, तो ग्रोथ का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आया कि मतलब ग्रोथ का मतलब क्या हो सकता है? आप बताइए कि ग्रोथ का मतलब क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, ग्रोथ का मतलब क्या कि मतलब ग्रोथ कर रहा है, कि कोई भी चीज की मतलब किसी भी चीज की लंबाई बढ़ रही है, मतलब ग्रोथ कर रहा है कोई भी चीज, ग्रोथ मतलब बढ़ रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसे क्या कहते हैं? ग्रोथ। ग्रोथ से इतनी बातें तो समझ में आ गई, आई होप आपको ग्रोथ के बारे में समझ में आओगे। लेकिन अगर हार्मोन की बात करें तो हार्मोन क्या है? हार्मोन एक ऐसा केमिकल सबस्टेंस है या केमिकल ऑर्गेनिज्म कहें या केमिकल सबस्टेंस कहें, हार्मोनिक ऐसा सबस्टेंस है जो कि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को करवाता है। हार्मोन एक ऐसा केमिकल सबस्टेंस है जो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को करवाता है, और जो हार्मोन है वह एक स्पेसिफिक ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ध्यान दीजिए, ग्रोथ का मतलब क्या होगा? डेवलप से होगा। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या? डेवलप होना, कोई भी चीज का बढ़ना, कोई भी चीज बढ़े, विकसित हो, उसे ग्रोथ कहते हैं। अब हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक ऐसा केमिकल सबस्टेंस है जो कि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को करवाता है। ध्यान दीजिए, यह एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को करवाता है और यह एक स्पेसिफिक ग्लैंड से सिक्रेट होता है। कौन? हार्मोन। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक जो है ग्रोथ हार्मोन का जो नाम है कि ग्रोथ हार्मोन क्या है इसके बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या सारी चीजें हैं जो ग्रोथ हार्मोन है यह 191 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। कौन? जो ग्रोथ हार्मोन है वह 191 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब यह सिंगल पॉलीपेप्टाइड चैन होता है। ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन है वह 191 अमीनो एसिड के एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चैन का बना होता है। कौन? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब इसके अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो अगर आप कई बुक उठा के देखेंगे, मान लीजिए अगर आप एक कई बुकों में आपको अलग अलग मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए अगर आप 1, 2, 3, 4 मतलब कई अगर कई राइटर का अगर आप बुक उठाते हैं तो उसमें हर एक चीज में रिफरेंस वैल्यू जो होता है अलग होता है, या मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा बहुत मतलब अंतर हो सकता है, तो उसे हम गलत नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने जिस बुक से पढ़ा था वहां पे उसका मॉलिक्यूलर वेट
21,500 दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने एक अलग बुक देखा तो उसमें 22,000 था, ठीक है। तो उसको हम गलत नहीं कह सकते। अगर हम मान लीजिए मैंने यहाँ पे 21,500 लिखा है, अगर कहीं एग्जाम में आ गया, अगर आप इस चीज़ को लिखेंगे तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि इसको भी किसी राइटर ने अपने अपने अनुसार या अपने मत के अनुसार उसने इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप 22,000 लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि आपको बुक में 22,000 भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने जहाँ से पढ़ा वहाँ पे 21,500 इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया था, ठीक है। आई होप ये इतनी सारी चीज़ें आपके लिए यूजफुल होंगी या इतनी बातें आपको मेरी समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में, किसके, ग्रोथ हार्मोन का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, किसके, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब जो ये ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन प्रमोट करता है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ बोन एंड अदर ऑर्गन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो करता है, ग्रोथ हार्मोन क्या है, ग्रोथ हार्मोन प्रमोट करता है किसे, बोन और अदर ऑर्गन के डेवलप होने में, ठीक है। तो बोन और अदर ऑर्गन के डेवलप होने के लिए ग्रोथ हार्मोन इसे प्रमोट करता है, मतलब ग्रोथ हार्मोन उस चीज़ को कहते हैं ना कि स्टिमुलेट करेगा, जैसे मान लीजिए स्टिमुलेट करता है किसी बोन को और किसको, अदर ऑर्गन को, जो भी और इसके अदर ऑर्गन है उसको यह प्रमोट करता है कि भाई आप मतलब कुछ ऐसा आप बढ़ो या मतलब लंबाई उसकी अधिक हो, इस सारी चीज़ों के लिए उसे प्रमोट करता है बाई हाइपरप्लेजिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हाइपरप्लेजिया क्या है, ठीक है, तो हाइपरप्लेजिया क्या है, हाइपरप्लेजिया यहाँ पे समझाने का टॉपिक नहीं है, हाइपरप्लेजिया के बारे में सेलुलर एडाप्टेशन में आपने हाइपरप्लेजिया, हाइपरटॉपी, मतलब कई सारी चीज़ों के बारे में आप जाने होंगे, तो वहाँ वह सारी चीज़ें आपको आपने पढ़ा होगा उस पैथोलॉजी में, उस चीज उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं, अगर आपको उसके बारे में अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे कहेंगे, उसके बारे में डिटेल आपको बता दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे मैं ग्रोथ हार्मोन की चर्चा कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हाइपरप्लेजिया आ गया है, तो मैं हाइपरप्लेजिया को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या है, अगर हाइपरप्लेजिया को हम तोड़ें तो दो शब्दों में टूटेगा, एक हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होता है, अधिक, ठीक है, जाहिर सी बात है, हाइपर का मतलब क्या, हाइपर का मतलब, हाइपर के मतलब से आप क्या समझते हैं, हाइपर का मतलब क्या हो गया, हाइपर का मतलब हो गया अधिक, मतलब किसी भी चीज का अधिक होना, ठीक है। अब इतनी बातें समझ में आएगी कि हाइपर, हाइपर का नाम लेते ही आपके दिमाग में इतना बेतु बन गया होगा कि हाइपर का मतलब क्या होता है, अधिक ही होता है। जाहिर सी बात, आप ऐसे कई लोगों को देखे होंगे जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, तो कहा जाता है ना कि भाई आप हाइपर ना हो, या हाई बीपी का नाम भी सुने होंगे, ऐसे कई सारे टर्म है जिसके बारे में आप सुन चुके होंगे, या कोई नया टर्म नहीं है जो मैं को पढ़ा रहा हूं, इस टर्म के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है। तो हाइपर का मतलब हो गया अधिक, प्लेजिया, मान सकता हूं कि प्लेजिया आपके लिए एक नया टर्म होगा, तो प्लेजिया का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल, क्या होता है प्लेजिया का मतलब, प्लेजिया का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल, ठीक है। तो हाइपरप्लेजिया को अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा कि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, हाइपर का मतलब हो गया अधिक, प्लेजिया का मतलब हो गया नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल मतलब जो सेल की संख्या है उसमें अधिक हो, उसमें बढ़ोतरी हो, उसी को हाइपरप्लेजिया कहते हैं। इसी हाइपरप्लेजिया के सिद्धांत पे ध्यान दीजिए, हाइपरप्लेजिया के सिद्धांत पे या बोन और अदर ऑर्गन को या डेवलप करने के लिए प्रमोट करता है, कौन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। आई होप आपको या मेरा जो पॉइंट है या पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि प्रमोट ग्रोथ हार्मोन, प्रमोट ग्रोथ ऑफ बोन एंड अदर ऑर्गन बाय हाइपरप्लेजिया, मतलब हाइपरप्लेजिया का जो सिद्धांत है उसी के आधार पे या इसे प्रमोट करता है बोन और अदर ऑर्गन को डेवलप करने के लिए या उसका उसकी उसके विकास के लिए उसे प्रमोट करता है, ठीक है। आई होप हमारी इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज जो यह उदाहरण या किसका, सेलुलर एडाप्टेशन का उदाहरण है, जो कि मैंने आपको बताया कि सेलुलर एडाप्टेशन का यह उदाहरण है, इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती हैं, कई सारे टर्म हैं, उसकी चर्चा हम आगे या नेक्स्ट वीडियो में आपसे करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड फंक्शन क्या है, एब्सेंस ऑफ गोनेडोट्रोफिन, ध्यान दीजिए, एब्सेंस ऑफ गोनेडोट्रोफिन, एब्सेंस मतलब क्या हो गया, एब्सेंस मतलब हो गया कमी, गोनेडोट्रोफिन मतलब गोनेड्स, एब्सेंस ऑफ द गोनेडोट्रोफिन मतलब क्या हो गया, गोनेड्स का कम होना। जानते हैं कि डिफरेंट टाइम के गोनेड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में कई सारे गोनेड्स पाए जाते हैं, लेकिन उसी में से अगर गोनेड्स कम हो जाए, गोनेड्स का एब्सेंस मतलब गोनेड्स की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो अगर गोनेड्स की कमी हो जाएगी तो जो सेक्स मतलब सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट टेक प्लेस, सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट टेक प्लेस का मतलब हो गया जो सेक्स की करेक्टर है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन है उसे कुछ सेक्स के लक्षण होंगे ना, सेक्स के करेक्टर होंगे, तो जो सेक्स का करेक्टर है वह करेक्टर की मैच्योरेशन में प्रॉब्लम आने लगेगी। जब गोनेड्स हमारे बॉडी में कम होगा तो सेक्स की सेक्स का जो करेक्टर है, मतलब किसी भी पर्सन को आप कैसे कहते हैं कि कैसे मतलब आप उस चीज़ को कह सकते हैं कि मतलब यह मेल है फीमेल है या
कह सकते हैं कि यह इंपोर्टेंस है, कैसे कह सकते हैं, जैसे कुछ उसके करेक्टर होंगे ना, देख के आप एक अंदाजा लगा सकते हैं ना। तो वही बात यहाँ पे क्या कहा गया है कि एब्सेंस ऑफ गोनेडोट्रोपिन, अगर हमारे बॉडी में गोनेट्स की कमी होती है तो सेक्स की जो करेक्टर है उसके उस करेक्टर के मैच्योर होने में प्रॉब्लम होने लगेगी, वह सेक्स का जो करेक्टर है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं होता है। किसकी कमी से? गोनेट्स की कमी से। आई होप आपको हमारा ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या कहा है, एब्सेंस ऑफ गोनेडोट्रोपिन मतलब अगर गोनेट्स की कमी होती है हमारे बॉडी में तो सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट टेक प्लेस, मतलब सेक्स की जो करेक्टर है वह मैच्योर, सेक्स के करेक्टर को मैच्योर होने में प्रॉब्लम होने लगेगी या प्रॉपरली ढंग से वे मैच्योर नहीं होंगे। आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है, कहा गया कि द ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड आई आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मतलब कहने का मतलब इसका यह है कि सारे चीज जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन डेवलप करते हैं वह सब के सब ग्रोथ हार्मोन से रिलेटिव जितने भी फंक्शन है, मतलब एक अदर तरीके से वह जो भी सारी चीज़ें हैं वह डेवलप करते हैं, लगभग लगभग उनका जो रिलेशन होता है ग्रोथ हार्मोन से ही होता है। लेकिन हमारे बॉडी में दो पार्ट हैं या दो ऑर्गन कह सकते हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन से उसका कुछ भी लेना लादना नहीं है, मतलब डेवलप तो करेगा लेकिन ग्रोथ हार्मोन से उसका कुछ भी मतलब नहीं होता है कि कैसे वह डेवलप कर रहा है, वह उसका ग्रोथ हार्मोन से कुछ नहीं मतलब है। क्या है? ब्रेन और आई, जो हमारा ब्रेन और आई है यह डेवलप तो करता है जो भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन यह ग्रोथ हार्मोन इससे इसके डेवलप होने में इसका कोई भी इसका रिलेशन नहीं है। किसका? यह इंडिपेंडेंट होता है, यह अपने खुद से यह डेवलप करता है। ठीक है, यह पॉइंट आपको याद करने की बहुत आवश्यकता है, यह मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा भी जा सकता है कि ग्रोथ हार्मोन से ऐसे कौन से ऑर्गन बचे हुए हैं या ग्रोथ हार्मोन मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो डेवलप तो करता है लेकिन विदाउट ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का उससे रिलेशन या रिलेटेड उसका कुछ भी उसमें फंक्शन नहीं रहता। तो हम बता सकते हैं ब्रेन और आई, ठीक है, ब्रेन और आई है जिसे ग्रोथ हार्मोन डेवलप तो करता है लेकिन ग्रोथ हार्मोन का उसमें कोई भी रोल नहीं रहता है। ठीक है, आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन लाइफ टाइम अफेक्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्रोथ हार्मोन लाइफ टाइम मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इस लाइन को हम इस वजह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट या मतलब कोई भी सारी चीज़ किसी भी माध्यम से हम ले रहे हैं, ठीक है, हमारे चाहे डाइट के थ्रू आए चाहे मतलब किसी भी थ्रू हमारे बॉडी में आए, और जो उसका मेटाबॉलिज्म है वह लाइफ टाइम के लिए जो ग्रोथ हार्मोन है उस चीज़ को वह इफेक्ट देता है, मतलब उस चीज़ को करवाने में यह काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कौन? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन एक्ट डायरेक्टली, मतलब कई जगह पे कई प्रॉपरली अंग में ग्रोथ हार्मोन जो है वह डायरेक्टली इन्वॉल्व होके उस काम को वह करवाता है, कौन? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपको कई जगह कई ऑर्गन में ऐसे मिल जाए कि डायरेक्टली वह जाके वहाँ पे वर्क करता है, लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे इनडायरेक्टली भी वह वर्क करता है। ठीक है, तो कैसे क्या सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए जिसमें से इनडायरेक्टली में आपका आ जाएगा कि जो उसका फर्स्ट है बट इंड्यूज लिपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, इंड्यूज जो होगा वह लिपोलाइसिस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं लिपोलाइसिस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, लिपोलाइसिस लिपो मतलब लिपिड, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन करता है कहां पे? एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, मतलब डायरेक्टली तो वह इन्वॉल्व होता है ग्रोथ हार्मोन, लेकिन इनडायरेक्टली की अगर आप बात करें तो वहां पे वह इंड्यूस करता है लिपोलाइसिस को, वह ब्रेक डाउन करता है कहां पे? एडिपोज टिश्यू में, कौन? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब उसके बाद ग्रोथ हार्मोन लिपिड को तोड़ता है कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, अब वहाँ पे उसके बाद में ग्लूकोनियोजेंसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेंसिस का क्या हो गया, मतलब ग्लूकोनियोजेंसिस मतलब हो गया ग्लूको मतलब ग्लूकोज, और नियो मतलब नया, जेंसिस मतलब फार्मेशन, मतलब ग्लूकोज का नए ग्लूकोज का बनना हम कह सकते हैं। ग्लूकोनियोजेंसिस मतलब क्या होगा? नए ग्लूकोज का बनना, मतलब ग्लूकोज को बनाता है विदाउट स्टार्च, बिना स्टार्च के यह ग्लूकोज का फार्मेशन करता है, मतलब नए ग्लूकोज को यह बनाता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में ऐसे कई सारे साइकिल्स चलते हैं जिसके द्वारा हमें एनर्जी मिलती है, अदर अदर जो भी फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, कई सारे साइकिल चलते हैं ना, जिसमें एचएमपी हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, अब उसके बाद में आपका ग्लाइकोलिसिस साइकिल हो गया, ग्लूकोनियोजेंसिस, ऐसे कई सारे साइकिल्स हैं जो हमारे बॉडी में चलती है और चलने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, लेकिन उसी में से एक है ग्लूकोनियोजेंसिस, जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता तो है लेकिन विदाउट स्टार्च होता है। ठीक है,
उसके बाद में क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन लीवर, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, अगर हम बात करें ग्लाइकोजेनोलाइसिस, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या हो गया, जो हमारा बॉडी में अगर मान लीजिए कि मान लीजिए हम कुछ भी ऐसे सारी चीज़ें खा लें, मान लीजिए कई सारी चीज़ें खा रहे हैं हम, ठीक है, तो या मान लीजिए किसी भी कारण बस अगर हम हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाए, ध्यान दीजिए, अगर हमारे बॉडी में किसी भी कारण बस ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाए तो क्या होगा, जैसे किसी एक टाइम तक, मतलब हर एक चीज की एक लिमिट होती है, ठीक है, कि हमें कौन सा चीज कितनी एनर्जी हमें चाहिए, एक लिमिट है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर उस लिमिट से अधिक हो जाए तो क्या होगा, अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाता है, ठीक है, तो हाँ, तो क्या करते हैं, ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाता है, ग्लूकोज को इंसुलिन की प्रेजेंट में, ध्यान दीजिए, ग्लूकोज को इंसुलिन की प्रेजेंट में लीवर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है, ध्यान दीजिए, ग्लूकोज को इंसुलिन की प्रेजेंट में लीवर में ट्रांसफर कर देते हैं, वहां पे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में वह स्टोर रहता है, जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है तो वहां से वह मतलब उसको हम फिर ग्लाइकोजन को तोड़ के फिर ग्लूकोज के फॉर्म में हम लेते आते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक स्टोर रहता है, जैसे आप एक समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी पर्सन के पास बहुत अधिक पैसा है, जाहिर सी बात है बहुत अधिक पैसा है उस पर्सन के बात पे, ठीक है, तो उसकी एक लिमिट होगी, जैसे मान लीजिए बहुत अधिक पैसा है तो सारा पैसा खर्च तो करेगा नहीं, उसे खर्च करने का एक लिमिट होगा, एक बाउंड्री होगा, एक बाउंडेशन होगा, तो उतना वह अपना पैसा निकाल लेगा, जो भी मंथली का उसका खर्च होगा या जो भी पॉकेट मनी होगा उतना निकाल लेगा, अब बचने के बाद जो पैसे होंगे वे आगे कल के लिए, भविष्य के लिए वह कहां पे रखता है, जाके लॉकर बैंक में या कहीं जमा करवा देता है, ठीक है, तो सेम काम ऐसे बॉडी का भी, बॉडी में अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो बॉडी को जितना नीड है ग्लूकोज का उतना तो वह खर्च करेगा ही करेगा, लेकिन उस ग्लूकोज को इंसुलिन की प्रेजेंट में जाके लीवर क्या है, इसका एक बैंक है, ठीक है, तो लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाके स्टोर कर देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैन में, अगर हम मैन में बात करें तो मैन में यह 500 नैनोग्राम पर डे इन प्लाज्मा, मतलब अगर हम बात करें मैन में 500 नैनोग्राम पर डे, मतलब क्या, ग्रोथ हार्मोन मतलब हमारे बॉडी में सीक्रेट होता है, कितना, 500 नैनोग्राम पर डे, ठीक है। अगर हम बात करें प्लाज्मा में ग्रोथ हार्मोन का जो कंसंट्रेशन होता है, वह प्लाज्मा में ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन इज इंक्रीज फॉलोइंग एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस, जैसे मान लीजिए अगर कोई पूछे कि जो जैसे कि मतलब जाहिर सी बात है जैसे मान लीजिए प्लाज्मा में ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन अधिक होता है, इंक्रीज होता है, मतलब कैसे होता है, मतलब उसका एक कारण है जैसे एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस, अगर हम करेंगे तो हमारे प्लाज्मा में ग्रोथ हार्मोन का जो भी लेवल है वह अधिक होगा, ठीक है। लेकिन मैंने एक पॉइंट यहाँ पे नोट नहीं किया, लेकिन आप ध्यान दीजिए, जब हम स्लीपिंग मोड में होते हैं, जब हम सोते हैं तो उस टाइम हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन अधिक सिक्रिट होता है, ग्रोथ हार्मोन अधिक निकलता है, कारण यही है जो छोटे बच्चे होते हैं वह अधिक सोते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी जो ऑर्गन होते हैं वो डेवलप करते हैं, उनको अधिक नींद आती है और नींद आने के कारण ही उनकी बॉडी धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे क्या कहते हैं, मतलब डेवलप करती है, बढ़ती जाती है, उनमें विकास होता जाता है, उनके जो ऑर्गन हो प्रॉपरली मच्योर होते हैं, डेवलप करते हैं, उनकी बॉडी डेवलप करती है, लेकिन स्लीपिंग मोड में ग्रोथ हार्मोन अधिक सिक्रेट होता है। अब आप कहेंगे कि अगर हम अधिक सोएं तो क्या मतलब ग्रोथ हार्मोन अधिक निकलेगा, तो ये आप लोग बताइए, जब सोएंगे उसके बाद निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये आप प्रैक्टिकल करके बताइएगा, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हमें नहीं पता कि मतलब अगर मान लीजिए हम अधिक समय तक सोएं तो क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग अगर चाहेंगे तो उसको बताइएगा, अगर आपको कहीं से मिल जाएगा तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप वहां से हमसे संपर्क करके लेकिन जरूर बताइएगा कि अगर हम अधिक देर तक सोएं तो हमारे में क्या ग्रोथ हार्मोन अधिक सिक्रीट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये आपके लिए, ठीक है। लेकिन मेरे लिए जो था मैंने आपको बता दिया कि जैसे मान लीजिए जब हम स्लीपिंग मोड में होते हैं तो ग्रोथ हार्मोन अधिक निकलता है, इसका जो एक उदाहरण देखें तो बच्चों में स्लीपिंग टाइम में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत अधिक होता है, ठीक है। आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी, आपको मैंने ग्रोथ हार्मोन क्या है उसके बारे में बता दिया, ग्रोथ हार्मोन का जो भी एक इंट्रोडक्शन था उसको बता दिया, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो भी सारी चीज़ें थी उस चीज़ को मैंने बता दिया। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए पेपर में या कहीं पर भी आ गया तो आप इतना जो पोथी है इस चीज़ को लिखेंगे, अगर इसमें से एक दो पॉइंट कम भी हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है ये आधे से अधिक नंबर कैरी करता है, भले एक से दो पॉइंट या तीन पॉइंट जो भी हो, लेकिन ये आधे से अधिक नंबर कैरी करता है, तो आपका मेन फोकस क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी अगर चिल्ड्रन में हो जाए, ठीक है,
जैसे मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन की डिफिशेंसी अगर चिल्ड्रन में हो जाए तो उसे ड्वार्टिज्म में कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि मतलब आप देखे होंगे ना कि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनकी हाइट बहुत कम होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाइट नॉर्मली हाइट क्या कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई किसी की हाइट 4 फुट 5 फुट या 6 फुट, मतलब जो भी है यह है कि मीडियम साइज है, 4 फुट 5 फुट 6 फुट जो है, या मतलब एक मीडियम साइज, इसमें एक दो पॉइंट अगर कम हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जो फिट है 4 फिट 5 फिट 6 फिट या एक मीडियम साइज है, इसमें जो व्यक्ति हैं इसे हम कोई डिजीज नहीं कहेंगे। हाँ, एक मीडियम साइज है, आजकल मतलब इसे किसी भी उसमें बीमारी के थ्रू नहीं रखा गया, एक नॉर्मल। लेकिन अगर इस जो एक मानक पैमाना है 4 फुट 5 फुट या 6 फुट, इस मानक पैमाने से अगर उसकी हाइट कम होती है तो डॉटिज मतलब बौने की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ज्यादा छोटा है, ठीक है, मान लीजिए एक बहुत मतलब आप कहीं पर हैं जा रहे हैं, ठीक है, अगर किसी की हाइट बहुत ज्यादा छोटी हो ना तो तत्काल आपकी ध्यान वहां पर पहुंच जाएगा, हाँ लगता है कुछ ना कुछ मतलब इसके अंदर डिफिशियंसी किसी ना किसी चीज की है जिसकी वजह से इसकी हाइट इतनी छोटी है। या तो अगर आप देखेंगे कि जिसकी हाइट बहुत ज्यादा अधिक हो वो भी भाई दूर से पहचान में आ जाएगा कि हाँ इसकी हाइट बहुत हटी है, मतलब एक हमारे बे में आ जाएगा मतलब कि इसकी हाइट बहुत अधिक है, कुछ ना कुछ इसके अंदर गड़बड़ी है, ठीक है। तो हाइट मैंने छोटे होने की बात की, अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो तो उसे ड्वार्टिज्म में कहते हैं, ठीक है। सिंस इट इंक्रीज टोटल ग्रोथ हार्मोन मे लीड इन जनरल, ठीक है। तो जिन टिजम, ठीक है, तो अगर हम वहां पर देखेंगे जिन टिजम अगर इस चीज़ को हम कहें तो वहाँ पे जो चिल्ड्रन में होगा उसमें मतलब कहने का मतलब कि जो एक डिजीज हो जाएगी, डिजीज होती है, इस डिजीज में होता क्या है, जैसे मान लीजिए बॉडी का कोई एक पर्टिकुलर अंग में मतलब उसका ग्रोथ हो जाएगा। पर्टिकुलर अंग कहने का मतलब क्या होगा, जैसे मतलब किसी का वो मोटा हो जाना, मतलब किसी भी कारणवश, या किसी का फिंगर डेवलप हो जाना, या मान लीजिए एक हाथ उसका काफ़ी मोटा हो गया, एक हाथ नॉर्मली है, या मान लीजिए बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन या कोई भी ऐसा चीज़, या मान लीजिए किसी का मतलब ईयर है वही डेवलप कर जाए, तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में अगर उसमें ग्रोथ हार्मोन टोटल उसका जो ग्रोथ हार्मोन उसमें अगर अधिक हो जाती है तो उस वह डिजीज के अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्रोमिगैली क्या है, रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव रेस्ट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। अगर एडल्ट मतलब जैसे मतलब एडल्ट मतलब जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, अगर हम लोगों में ग्रोथ हार्मोन रेस्ट कर जाए, रेस्ट मतलब अधिक हो जाए, अधिक निकल जाए, ठीक है, तो उसे एक्रोमिगैली कहते हैं। एक्रोमिगैली का मतलब एक्रोमिगैली एक डिजीज है जिसमें नॉर्मल मतलब जो 5 फुट या 6 फुट जो भी पर्सन का जो भी हाइट थी उससे बहुत अधिक हो जाए, ठीक है, देखने से दूर में लग जाए कि हाँ जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, तो लग जाए तो हाँ, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, एक्रोमिगैली या एडल्ट में होता है, ठीक है। अगर वहाँ पे रेस्ट कर जाता है तो उस चीज़ में वह एडल्ट में होता है, कौन, एक्रोमिगैली, ठीक है। तो इतना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। हमने ग्रोथ हार्मोन की काफ़ी सारी चर्चाएं कर ली, ग्रोथ हार्मोन क्या है उसके बारे में बता दिया मैंने आपको, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन में कितने अमीनो एसिड हैं, उसमें सिंगल पेप्टाइड मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, मॉलिक्यूल भी बता दिया, उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन बता दिया, ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बता दिया, ठीक है। आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। इसमें से अगर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप हमसे कमेंट करके या कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होगा वहाँ से आप हमसे संपर्क करके इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।